नमस्ते, मैं मौशमी फिर से लौट आई। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, राइटर हूँ। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब छोटे से लेकर 8-9 तक तो मैं पढ़ाती हूँ मिनिमम। तो बराई छोटा बच्चा शायद मतलब 2-4 है, लेकिन बराई ज़्यादा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट मैं करती हूँ टू ऑल पेरेंट्स। डियर पेरेंट्स, मुझे ये कहना है कि जब एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जब भी एग्ज़ाम चलते हो तो बच्चे को हम लोग पेरेंट्स लोग, मेरा भी बेटा है वो क्लास 7 स्टैंडर्ड में है, DEV में है, तो हम लोग जब ड्यूरिंग एग्ज़ाम ना बच्चे पे एक प्रेशर डालते हैं, पता है कैसे? एक तो बच्चे प्रेशर में रहते ही हैं, उनके होता है खुद का। नंबर वन उनका टारगेट, उनका पेरेंट्स उसे डांटेंगे। सेकेंड, स्कूल का जो है फ्रेंड्स कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं, उनका खुद का फिजिकली जो एक प्रेशर होता है क्योंकि वो पढ़ते हैं बहुत सारा। एक चीज़ और भी है, पता है क्या है? जब एग्ज़ाम के वक्त हम बोलते हैं ना कि TV मत देखो, इससे बात मत करो, फ्रेंड से मत मिलो, अभी खेलो मत, अभी ये मत करो, ये जो हम लोग डिटच करते हैं ना ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो इससे ऐसा होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम में उसे डिटच करते हैं वो उतनी भी अटैच हो जाता है। हम डिटैच करते जाते हैं, जिस चीज़ को हम उसे कहेंगे दूर करो तो उसके और भी करीब हो जाता है। हम बच्चे से कहेंगे कार्टून मत देखो तो ऐसा है कि वो कार्टून का ही ज़्यादा मिसिंग उसे मिस करता रहता है, कि उसे ही देखने का ज़्यादा मन करता है। अब खुद के ही सोच लो, हम बड़े लोगों का, जिससे आप डिटैच हो जाते हो ना, आप उनको ज़्यादा मिस करते हो, उनका एब्सेंस आपको ज़्यादा सताता है कि अगर होता तो अच्छा होता, थोड़ी देर देख ही लेते। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम बच्चे को डिटैच मत कीजिए, हाँ उनका ड्यूरेशन कम कर दीजिए। अगर बच्चा 1 घंटा TV देखता था तो उसे 15 मिनट कर दीजिए। अगर वो फ्रेंड से मिलता है तो थोड़ी बहुत मिल भी लेता है, शेयरिंग कर लेता है, खुद का कुछ कह भी लेता है। तो कुछ बातें ऐसे भी है ना, बच्चे वो अपने फ्रेंड से ही कर सकता है, अच्छा लगता है शेयरिंग करना, भला बुरा जो भी हो उसका लेवल का, उसका एज का, क्योंकि एज ऑफ प्यूबर्टी ये एक ऐसा एज है कि वो उसका कुछ शेयरिंग सिर्फ फ्रेंड्स से ही करते हैं, पेरेंट्स से नहीं। ये हमें समझना चाहिए। और इस वक्त हार्मोन्स का, ग्लैंड्स का जो विकसित जिस तरह से होता है, उन पर दबाव डालना सही बात नहीं है। अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो वो हर रोज़ ना खेले, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम एक आध दिन अगर चली भी जाता है थोड़ा सा टाइम करके, थोड़ा सा कार्टून देख भी लेता है, थोड़ा सी बात कर भी लेता है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। स्टडीज़ का मतलब प्रेशर नहीं है, स्टडीज़ का मतलब रिलैक्स है। हाँ, एक किताबी कीड़ा बना के कोई फ़ायदा नहीं है। किताबी कीड़ा बन के क्या होता है, वो कीड़ा ही बन जाता है, इंसान नहीं बनता। जो दिमाग विकसित होता है अच्छी तरह से, उसी का भविष्य होता है। एक अव्वल नंबर आना ही बड़ी बात नहीं है, अव्वल इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। तो आप अगर मेरे कोई सजेशन बुरा लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, मैं ये हमने आपसे कहा है कि रिक्वेस्ट की है, तो आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, लेकिन जो भी हो अच्छा ही हो। नमस्ते, फिर वापस आती हूँ एक टॉपिक लेकर।